गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापित पदों में जोड़े जाएं रिक्त पद, क्या मामला है इसके बारे में? शायद हो सकता है आपने इसको पढ़ लिया हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ साथ इस पूरी जानकारी को वहाँ पर दूंगा कि आखिर शेष कितने पद अभी हमारे पास में रह गए हैं, इनकी सरकार के पास कितने पद हैं, इसमें अभी और कितने पद यहाँ पर बढ़ सकते हैं, विज्ञापन में जो विज्ञापन हो चुका है वो कौन सा हो चुका है, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने टीजीटी पीजीटी में विज्ञापन में आवेदन कर दिया था और उसकी तैयारी पर लगे हुए हैं, लेकिन विज्ञापन बहुत ही कम पदों के लिए हुआ था, लेकिन वो पद और बढ़ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, मैं इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो में मेरे साथ में। बात शुरू होती है यहाँ से, ये यहाँ पर पूरा विवरण है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। पहले हम यह देख लेते हैं कि आखिर बात कहाँ से ये शुरू होती है। तो बात हमारे पास ये शुरू होती है कि ये हमारे पास में एक न्यूज है जो पेपर की हमारे पास में कटिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सीधे सीधे डिमांड है कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापित पदों में जोड़े जाएं रिक्त पद। आखिर क्यों जोड़े जाएं, क्या है, क्या मैटर है? तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चयन बोर्ड ने जो है ये हमारे पास जो विज्ञापन जारी हुआ था, चयन बोर्ड ने जो जारी किया था 4163 पदों के लिए शिक्षक भर्ती में, ये कर दिया गया था, ये लेकिन ये कायम किया गया था सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में किया गया था, लेकिन विधानसभा सत्र में प्रश्न शिक्षा मंत्री जी से, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था, तो इसके उत्तर में उन्होंने क्या उत्तर दिया था, वहां पर पदों की संख्या इन्होंने बहुत ज्यादा दिखाई थी और विज्ञापन केवल 4163 पदों के लिए दिखाया था। इन्हीं चीजों को देखते हुए जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये मांग रखी है कि जो पद ज्यादा हैं, जो कि रिक्त रह गए हैं, वो पद भी इसमें सम्मिलित किए जाएं। आखिर कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं, कितने पद क्या होना चाहिए, वो मैं अभी आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक पूरी सूची यहाँ पर तैयार है। यहाँ आप यहाँ पर शुरू से अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कॉलम है हमारे पास में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पदों का विवरण, और यहाँ से जो ये कॉलम हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, ये कॉलम हमारे पास पूरा नीचे को ये कॉलम हमारा राजकीय का है। फिलहाल विज्ञापन जो जारी हुआ है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एडेड कॉलेजों में हुआ है, कैसे कैसे हुआ था वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 2022 का ये विज्ञापन था। इस विज्ञापन में टीजीटी के बालक वर्ग में 3213 पद यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ था और बालिका वर्ग में 326 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। कुल मिलाकर के टीजीटी के 3539 पद थे टीजीटी के। और फिर बात आती है पीजीटी के प्रवक्ता की, टीजीटी सहायक अध्यापक थे और प्रवक्ता यानी पीजीटी में 549 बालक वर्ग में और 75 जो पद थे वो बालिका वर्ग में, कुल मिलाकर 624 पद थे पीजीटी के, जिनका योग हो जाता है दोनों का मिलाकर 4163। इस तरह से ये यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका था, ये विज्ञापन जारी हो चुका था। तो जैसा आगे की बात है कि जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री से विधानसभा सत्र में ये प्रश्न पूछा गया कि माध्यमिक शिक्षा में कुल कितने पद रिक्त हैं, कुल कितने पद रिक्त हैं, तब उन्होंने उस उत्तर में बताया था कि टीजीटी के 16,750 पद रिक्त हैं माध्यमिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, एडेड कॉलेजों में, राजकीय की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। पीजीटी के जो यहाँ पर पद थे पीजीटी के थे 2522। इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर में ये भी दिया था कि संस्था प्रधान है उनके भी पद यहाँ पर रिक्त हैं, जिनकी संख्या 3041 और चतुर्थ श्रेणी के भी यहाँ पर पद थे जो कि रिक्त हैं, जो बताए गए थे 19,874 पद। अब अगर यहाँ बात करें हम कि विज्ञापन जो जारी हुआ था
वो ये इन पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। इन पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास में और कितने पद यहाँ पर हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि 16,750 पद थे, जिसमें से टीजीटी के मात्र 3,539 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। शेष कितने पद रह गए? तो शेष हमारे पास में पद रह गए हैं 13,211 पद। ये 13,211 पदों की ही मांग चल रही है कि जो टीजीटी का जो विज्ञापन था उसमें इन 13,211 पदों को सम्मिलित कर लिया जाए, जिससे रोजगार और अधिक लोगों को प्राप्त हो सकता है। इसी तरह पीजीटी में की अगर हम बात करें तो पीजीटी में जो इनके पास कुल पद थे वो थे 2,522, लेकिन इन्होंने विज्ञापन जारी किया 624 का मात्र। इन्हीं के हिसाब से माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रवक्ता के भी 1,898 पद, 1,898 पद इन पदों में और सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे रोजगार और अधिक लोगों को प्राप्त हो सकता है। बात करें अगर हम संस्था प्रधान के पदों की, तो संस्था प्रधान के पद 3,041 यहाँ पर रिक्त दिखाए गए हैं, जिसका विज्ञापन कहीं कोई जारी नहीं किया गया है। तो ये पद भी यहाँ पर, इनके बारे में भी इन सोचना चाहिए और इन पर विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। ऐसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तो बहुत ज़्यादा पद हैं, 19,874 पद। ये पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, इन पदों के लिए भी ये भी होना चाहिए, जिससे यहाँ पर कुल रिक्त यहीं पर पूरे के पूरे टोटल के टोटल हैं ये चतुर्थ श्रेणी के भी 19,874। ये पद पूरे के पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में ये रिक्त पड़े हुए हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। अगर हम बात करें इन्हीं के साथ साथ राजकीय विद्यालयों की, तो राजकीय विद्यालयों में ये पूरे के पूरे पद यहाँ पर रिक्त पड़े हुए हैं, जिनका कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ये हमारे पास रिक्त पद हैं। टीजीटी के जो पद हैं रिक्त, वो ये हैं 6,365 पद जो कि रिक्त हैं, विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। पीजीटी के यहाँ पर हैं 3,957 जो विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। टोटल ये हो जाते हैं इन दोनों को मिला करके 10,322 टीजीटी और पीजीटी राजकीय में, जो कि टीजीटी वाले जो हैं वो एलटी के कहलाते हैं और पीजीटी वाले जो हैं प्रवक्ता वाले कहलाते हैं, जीआईसी प्रवक्ता के नाम से ये विज्ञापन जारी होना चाहिए। और संस्था प्रधान के यहाँ पर 1,038 पद जो कि पूरे रिक्त हैं, इनका विज्ञापन जारी नहीं हुआ ये होना चाहिए। और 3,132 ये चतुर्थ श्रेणी के हैं। इस तरह से ये पद पूरे पूरे रिक्त हैं, अगर ये विज्ञापन जारी कर दिया जाए या और सहायता प्राप्त वाले सम्मिलित कर दिए जाएँ पुराने विज्ञापन में, तो काफ़ी लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सरकार को जल्द से जल्द आयोग गठित करके इसका विज्ञापन जारी कराकर भर्ती कराने के बारे में सोचना चाहिए। इसकी प्रतिपुष्टि के लिए मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये वो लेटर है जिसमें माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा ये दिया गया था कि ये हमारे पास इतने पद रिक्त हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये पूछा गया था, देखें, क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों एवं चपरासी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? ये यहाँ पर प्रश्न था। आगे यहाँ पर बात थी, क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर समय सीमा निर्धारित कर नियुक्ति कराएंगी? इनका उत्तर जो इन्होंने दिया था, उस उत्तर में यहाँ पर जो पूरे का पूरा विवरण हमारे पास ये है, ये इनके द्वारा दिया गया था। इसी के आधार पर अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि ये डिमांड पूरी की जाए,
इन विज्ञापनों को जो रिक्त पद हैं पुराने विज्ञापन में इनको ऐड किया जाए। मांग बिल्कुल जायज़ है, मांग बिल्कुल भी किसी भी तरह से गलत नहीं है, बिल्कुल सही मांग है। इसका पूरा विवरण मैंने अभी पीछे आपको यहाँ पर पूरा दिखाया था।